दोस्तों क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे गैलरी लॉक का। जैसे कि आपको पता है कि गैलरी लॉक करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है सैमसंग डिवाइस में, और आप जो है अपनी एप्लीकेशंस को लॉक कर पाते हैं, गैलरी को लॉक कर पाते हैं, ताकि आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कोई ना देखें। लेकिन हमारे सैमसंग डिवाइस में एक सिक्योर, मतलब कि किसी को भी नहीं इस लॉक के बारे में पता, ये बिल्कुल हिडन लॉक है। कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको इंस्टॉल नहीं करने पड़ेगी। आप अपनी गैलरी की फ़ोटोज़ एल्बम्स को लॉक लगा सकते हैं, वो भी फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, ध्यान से देखना। और ये जो टॉपिक है, ये जो ट्रिक है, आपको कोई नहीं बताएगा। आप यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी होगी। सिंपल सी हिडन ट्रिक है, उसको आपने ऑन करना है, उसके बाद आप अपनी गैलरी की एल्बम्स को, वीडियोस को लॉक लगा सकते हैं। तो कैसे करना, कैसे नहीं, सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK न्यूज़ टेक चैनल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए हम अपनी गैलरी में यहाँ पर जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद ये आपके सभी एल्बम्स हैं, तो लॉक कैसे लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि इस एल्बम को यहाँ पे लॉक लगाऊंगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, मोर पे जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे रीनेम, चेंज कवर इमेज, सेलेक्ट ऑल आएगा, मूव टू सिक्योर फोल्डर आएगा। लेकिन आपने क्या करना है, ध्यान से देखना आप, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे 3 डॉट नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग वाले ऑप्शन में यहाँ पे जाएंगे, फिर नीचे को स्क्रॉल करेंगे। नीचे को स्क्रॉल करने के बाद अबाउट गैलरी का ऑप्शन यहाँ पे आता है। अबाउट गैलरी का ऑप्शन ओपन होने के बाद आप यहाँ पे 7 बार टैप करेंगे, ठीक है। इस तरह 7 बार आपने यहाँ पे टैप करना है, जब तक यह नीचे ऑप्शन ना चालू हो जाए। अभी भी नहीं हुआ, शुरू हो गया। तो 7 बार टैप करने के बाद गैलरी लैब इनेबल, गैलरी लैब यहाँ पे इनेबल हो गया हमारा फीचर। जैसे नीचे देखते हैं, पहले नहीं शो नहीं होता था, लेकिन आपने 7 बार टैप करना, उसका गैलरी लैब का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है। गैलरी लैब वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है ऑप्शन एल्बम एंट्री लॉक्स। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे एल्बम एंट्री लॉक, इसको हम यहाँ पे इनेबल करेंगे। इनेबल कर दिया, बैक आ गए, फिर आप अपने गैलरी को यहाँ पे ऑल क्लोज कर देंगे, कर दिया। फिर उसके बाद गैलरी अपनी ओपन करेंगे, ठीक है। फिर आप एल्बम को यहाँ पे चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर मोर पे जाएंगे। मोर पे जाने के बाद लॉक एल्बम का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं लॉक एल्बम, मैं क्लिक करूँगा तो मेरी एल्बम ये लॉक हो चुकी है। जब इसे हम ओपन करेंगे तो ये आपका ये फिंगरप्रिंट यहाँ पे मांगेगा, तब जाके जो है आपकी गैलरी यहाँ पे ओपन होगी। अगर इसे आप अनहाइड, मतलब अनलॉक करना चाहते हैं, अगर आप चाहते लॉक ना हो, तो आप 3 डॉट में क्लिक करेंगे, अनलॉक एल्बम को यहाँ पे अनलॉक कर देंगे, उसके बाद आपकी एल्बम यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरह आप सभी एल्बम को, जो आपकी प्राइवेट फोटोज वीडियोज रहते हैं, उनको लॉक लगा सकते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।